हेलो फ्रेंड्स, मैं खुशी और मेरी खुशी रेसिपी में आपका स्वागत है। पहले मैंने आधा किलो लौकी ली है, लेकिन लौकी को हमें पूरा यूज नहीं करना है, तो इसे हम कट कर लेते हैं। तो इसे मैं बीच से कट कर रही हूँ। अब हम आधी लौकी का यूज करेंगे और आधी को रखेंगे। अब लौकी का हम छिलका निकाल लेंगे। जब भी आप लौकी की सब्जी या फिर लौकी से नाश्ता बनाएं, तो लौकी को थोड़ा सा टेस्ट कर लें, क्योंकि कभी कभी लौकी कड़वी निकलती है। तो मैंने लौकी का छिलका उतार लिया है, लौकी को मैंने वॉश कर लिया है। अब हम ग्रेटर की हेल्प से लौकी को कद्दूकस करेंगे। तो लौकी को मैंने कद्दूकस कर लिया है। तो कद्दूकस की हुई लौकी को हम बाउल में डाल लेंगे। मेजरिंग कप से आधा कप सूजी डालेंगे। अब ये मैंने मेजरिंग कप से ही आधा कप बेसन लिया है। एक चम्मच दरदरा कुटा हुआ अदरक लहसुन और हरी मिर्च डालेंगे। स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। एक चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर। तो सभी चीजों को हम मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया पत्ती डाल देंगे। हरा पत्ती धनिया में डालना भूल गई थी, तो मैंने इसे बाद में डाल दिया है। अब सभी को हम मिक्स कर लेंगे। तो मैंने इसमें पानी का बिल्कुल भी यूज नहीं किया है। लौकी में भी पानी होता है, तो हमें पानी डालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप देख सकते हैं डो बनकर तैयार हो गया है। अब हम हाथों को ऑयल से ग्रीस करेंगे और डो में से थोड़ा पोर्शन लेंगे और इसकी हम टिकिया बना लेंगे। आप इसे अपने मनचाहे शेप में बना सकते हैं। इस तरह से आप लौकी का ये नाश्ता जरूर बनाकर देखें। खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और आपको लौकी का पता भी नहीं चलेगा कि आप लौकी खा रहे हैं। तो इस तरह से मैंने टिकिया बना ली है। अब इसे हम एक प्लेट में रख लेते हैं और बचे हुए डो से इसी तरह से टिकिया रेडी कर लेते हैं। तो मैंने पूरे डो से टिकिया बनाकर रेडी कर ली है। तो अब हम चलते हैं गैस की ओर। गैस पर मैंने एक पैन रखा है। पैन में हम दो चम्मच तेल डालेंगे। इस नाश्ते को हम बहुत ही कम तेल में बनाएंगे, तो तेल को हम गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। तेल भी गर्म हो गया है। अब हमने जो टिकिया रेडी की है उसे हम तेल में रखेंगे। एक एक करके हम टिकियाओं को तेल में रखते जाएंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो करते हुए इन्हें हमें सेलो फ्राई करना है। तो पलट पलट कर इसे हम सेलो फ्राई कर लेंगे। अगर आपके बच्चे भी लौकी नहीं खाते हैं, तो आप उन्हें ये नाश्ता बनाकर दे सकते हैं। तो कुछ सेकंड तक मैंने इन्हें एक साइड से सेलो फ्राई कर लिया है। अब इन्हें हम पलट लेते हैं। तो इस तरह से हमें पलट पलट कर गोल्डन ब्राउन होने तक सेलो फ्राई करना है। तो आप देख सकते हैं टिकिया एक साइड से बहुत ही अच्छे से सेलो फ्राई हो गई हैं। बस दूसरी साइड भी हमें इसी तरह से इन्हें सेलो फ्राई करना है। तो टिकियाओं को दूसरी साइड से भी मैंने सेलो फ्राई कर लिया है। अब इन्हें हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो इस टेस्टी हेल्दी नाश्ते को आप एक बार जरूर ट्राई करें। तो गर्मा गर्म लौकी से नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको लौकी की ये रेसिपी? वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही में जो छोटी सी बेल आइकन होती है उसे प्रेस जरूर करें, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं एक नई मज़ेदार टेस्टी रेसिपी के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।